जी सर, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल माय ऑनलाइन अस्सलाम वालेकुम। आई कैन से डेफिनेटली आई कैन से दैट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जिसको दिलचस्पी है वो लोग की क्लास में ज्वाइन करें। अल्हम्दुलिल्लाह 100 स्टूडेंट ज्वाइन हो गए, बहुत खुशी की बात है। दिन ब दिन आपकी जस्तो दिन ब दिन आपकी दिलचस्पी बढ़ रही है, इससे मालूम ये हो रहा है कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ रहे हैं। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप टेट का सिलेबस का प्रिंट लिए नहीं लिए, फाइल में रख लिए लिए ना सर, रख लिए, ले लिए नोटबुक सर, सर ले लिए नोट सर, पेन ले नोटबुक पेन साथ में रख लिए लिए ना रख लिए, नोट्स बना रहे नहीं बना रख रहे, लिए रोज सर, का कम रख से कम आधा घंटा तो उसको देख रहे ना देख रहे क्लास में। लिए सर। दूसरा सवाल, आप लोग वीडियो फिर एक बार देख के नोट्स थोड़ा हो सका तो लिख लेना उसको, फिर एक बार दो बार तीन बार वीडियो देख। तो वीडियो देखने वाले 300 400 लोग हैं, मगर लाइक्स खाली कितने बोल तो 20 लाइक्स 10 लाइक्स। आप वीडियो देख रहे हैं अच्छा दिखा तो उसको क्या करना, अच्छा दिखा बोले सर का इजहार करना उसको, तो उससे अंदाजा ये मालूम होता है देखने वाले कितने हैं, पसंद करने वाले कितने मालूम। तो लाइक्स जब कम है इसका मतलब तो शायद पसंद नहीं है, आप पसंद नहीं है इसलिए आप उसको लाइक नहीं कर रहे। ठीक है, लाइक भी नहीं करे, कमेंट्स भी नहीं करे, कमेंट और लाइक करने से क्या है, तो दूसरों को आपको मोटिवेशन मिलता है, दूसरे स्टूडेंट्स अरे सही भी इसमें कुछ फायदा है क्या, उनकी वीडियो दूसरे लोग देखने के चांसेस होते हैं, आपके दूसरे जो जूनियर्स वगैरह है उनके लिए फायदा हो। ठीक है ना, तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, ये डेवलपमेंटल थीरीज में डिस्कशन कर रहे थे, चाइल्ड डेवलपमेंट थीरीज, ये मैं चार्ट बनाया था जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह जीन पियाजे का जिक्र हुआ, लॉरेंस कोहलबर्ग और सिगमंड फ्राइड साहब का जिक्र हुआ, एरिक एरिक्सन साहब का जिक्र हुआ, उसके बाद नोम चोम्स्की का भी कल हम जिक्र करें, और उसके बाद कार्ल रोजर्स। ठीक है ना, तो नोम चोम्स्की की जब बात आती तो बच्चा एक बार सवाल आया था टेट में, ठीक है ना, बच्चा सबसे पहले अपनी जिंदगी में जो वर्ड इस्तेमाल करता जो लफ्ज इस्तेमाल करता वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बल्कि पूछा, नाउन बच्चा जो बोलता भी बोलता पहला उसका जो वर्ड होता वो क्या, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बल्कि बोला, कोई बता सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच है तो उर्दू में सर, अज्जाए कलाम। नाउन परफॉर्म, वावल सर, वावल्स अज्जाए कलाम में नाउन है सर, नाउन इसमें। वॉवेल्स वॉवेल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, पहले बात याद रख लो आप, इवन आर्टिकल्स भी सर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है ना, वो अलग चीज है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता बोलता, मम्मी या अम्मा या दादा नाना ऐसा कुछ बोलना सीखता, माँ या बा ऐसा कुछ बोलना सीखता, ये क्या है बोलता, नाउन है ये, नाउन ठीक है ना, इसमें बोलता है प्रॉपर नाउन वगैरह है। तो इस तरह से सवाल आपको कुछ भी क्या भी पूछ सकता है, ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ थियरी ऑफ सिंटैक्स बल्कि किसकी बुक है बल्कि पूछता आप, ठीक है ना, ये नोम चॉम्स्की की किताब है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कुछ भी सवाल आ सकता है, तो आप क्या करना पूरे साइंसदानों के नाम आपको याद हो जाना, कल और दो तीन बच्चे मेरे को ये चार्ट बना के प्रिंट बना के भेजे, बन सेल्फिया नहीं लिए हो ना खाली फोटो लेके भेजे, सर बोल दे रहे बोल, ठीक है, अब से नहीं बोलता मैं, अब भेजो सेल्फी बना के भेजो, कोई गम की बात नहीं है, मगर बनाओ चार्ट बनाओ, बना के इसको प्रैक्टिस करो। तो जैसा कि हम तमाम ये 6 साइंटिस्ट और 6 थीरियों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आप क्या करना बोल दो, ये स्टेजेस जो 4 और 8 5 3 6 लिखा ना, उस स्टेजेस के भी पूरे नाम मालूम रहना आपको, उसके फिर उसकी खुशी भी मालूम रहना, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी के 2 वीडियोस है, मैं समझता हूँ प्राइड की थ्योरी की क्लास में आया मेरे को, मैं समझता हूँ एरिक एरिक्सन की भी होंगी, इंग्लिश वालों को सिलेबस समझाया था मैं, तो इस तरह से बात वीडियोस अवेलेबल है वो देख ले के नोट्स बना लो, नहीं बोले तो उर्दू मीडियम वालों कहते हैं डीएलएड की एक उर्दू की मॉड्यूल रहती, जो टाइट बुखारा से जो स्टूडेंट्स करे हुए हैं घनपुर से या नरेंद्र से, उनके पास साइकोलॉजी की मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल का जिराक्स भी लेके आप पढ़ सकते, ठीक है ना। उसके बाद हम देखे सेल्फ डेवलपमेंट थ्योरी, जहां पर कॉन्सेप्ट्स थे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ इमेज, आइडियल सेल्फ, कॉन्ग्रुएंट इनकॉन्ग्रुएंसी, इस तरह से 5 6 कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन हुआ, ठीक है ना, वहां पर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ डिफेंस मैकेनिज्म का, अब्राहम मास्लो का डिस्कशन हुआ, तो इस तरह से सेल्फ किसको बोलते वगैरह वगैरह देख लिए हम। नेक्स्ट हम देखने वाले बचे हुए 2 साइंसदान है, एक है डैनियल गोलमैन और एक है होवर्ड हाँ, गार्डनर, ठीक है ना। हॉवर्ड तो ये गार्डनर। दोनों की थीरी देखने से पहले, ये दोनों की थीरी का ताल्लुक कौन से कॉन्सेप्ट से, जल्दी बताओ, एक कॉमन कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जो कॉमन कॉमन कॉन्सेप्ट है, कॉमन जो वर्ड है वो क्या है बोले तो इंटेलिजेंस है, ठीक है ना। तो
अभी आपको मैं इंटेलिजेंस, ठीक है, मैं अभी आपको एक ग्रुप में जी दो तीन फोटोज भेजा, सर, मिले आप लोगों को? आप मिले सर स्क्रीन पे दिख रहा, आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा आपको? जी। जहानत के अफसाने और हाँ, जैसे तो सबसे पहले आप जहानत ये देखना चाहिए जहानत किसको बोलते, क्योंकि दोनों का ताल्लुक हुवर्ड गार्डनर और किनका, और क्या नाम बोले हम, डेनियल गोलमैन, दोनों का तो जिक्र रहता है, इस बकरी से जुड़ा हुआ है, जहानत से जुड़ा हुआ है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को क्या करा, थोड़े पेपर्स व्हाट्सएप करा, किसके हो पेपर्स जी सर, जहानत अभी देखे आप लोग, व्हाट्सएप में ग्रुप में भेजा मैं, ठीक के ऊपर है है, सर। जहानत जहानत के ऊपर जहानत है, के ठीक है। सर, इससे पहले भी मैं हेलो जहानत का सर जिक्र करा आप लोगों को, याद दूंगा, इससे पहले मेरी गुज़िश्ता क्लास में भी जी इंटेलिजेंस के बारे में समझा दिया मैं आपको सर, पूरा, 1905 से लेकर 1908 से लेकर अल्फ्रेड बीन एस्टेन वगैरह वगैरह तमाम चीजें समझा दिया। तो हम इंटेलिजेंस क्या है अगर गौर करके देखें, तो इंटेलिजेंस के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे उसके क्या बोलते हैं सो डेफिनेशन दिए। जहानत का लफ्ज हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम कभी ना कभी कसरत से इस्तेमाल करते। तो जहानत का मफहूम क्या है, मतलब मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में उसको बयान किया, हर एक अलग अलग ख्याल। जैसा कि मैं आपको इससे पहले थोड़ी देर पहले हम पुरानी क्लास में मेरी हम देखे थे कि टर्मन का डेफिनेशन अलग है और हर एक का डेफिनेशन अलग अलग है, ठीक है ना। जैसा कि टर्मन कह रहे हैं, जहनत तसव्वुरात और ख्यालात की मदद से मुख्तलिफ मसाइल का हल करने का, या मुख्तलिफ मसाइल का हल करने की तलाश में रहे टर्मन। तो इस तरह से हर एक का अलग अलग ख्याल है। स्पीयरमैन क्या बोल रहे हैं, ये तामीरी गौर व फिक्र सलाहियत है, ये तामीरी गौर व फिक्र, एक कंस्ट्रक्टिव एक थिंकिंग है, बल्कि बता रहे हर एक का अलग अलग है। फ्रीमैन जहानत हर किस्म की सूरत हाल में कामयाब मुताबिकत हासिल करना, यानी एडजस्टमेंट, इंसान अगर एडजस्टमेंट की कैपेसिटी है, कहीं मुताबिकत पैदा कर सक रहा है कोई माहौल में, उसको जहानत बोल रहे, यानी एडजस्टमेंट कैपेसिटी को जहानत बोल रहे। तो इस तरह से फारनटाइक ने भी एक डेफिनेशन कहा था, जहानत हकीकत और सच्चाई के नुक्ता नजरिया का कामयाबी अमल का नाम है। स्टन ने भी क्या कहा, जहानत अपने आप को जिंदगी के नए मसाइल और हालात के मुताबिक ढालने की आम हालत है या सूरत है, बल्कि बता रहे। तो इस तरह से हर कोई अलग 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 अपना अपना डेफिनेशन पेश किया, ठीक है ना। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप में तमाम चीजें भेज दिया मैं, तो घुमा फिरा के ये जहानत क्या है बोल, तो एक है एडजस्टमेंट कैपेसिटी, कोई बोल रहे अब्स्ट्रैक्ट कैपेसिटी, कोई बोल रहे अंडरस्टैंडिंग द रिलेशंस, रिश्तों को समझना है, तमाम चीजों को क्या बोल रहे बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोल रहे। इंटेलिजेंस अलग है, क्रिएटिविटी अलग है, बल्कि मैं उससे पहले समझा था। तो यहाँ पर क्या होता, जहानत के बारे में समझाने वाले बहुत सारे साइंसदानों ने अलग अलग नजरिए पेश किए। एक नजरिया था आपकी स्क्रीन पे दिख रहा था, तमाम पढ़ो इसको जल्दी, उर्दू में क्या लिखा हुआ है जल्दी पढ़ो क्या है। तमाम माहिरीन नफ्सियात जहानत की तारीफ करने करने में में मुत्तफिक नहीं हो सके। मुख्तलिफ हाँ नफ्सियात मुत्तफिक दानों नहीं ने हो सके, जहानत की तारीफ मुख्तलिफ अंदाज में की है। इसी अंदाजे तरह की है इस जहानत तरह के जहानत नजरिया की जो इस्तेमाल में आए हैं वो मौजूद हस्बजैल हैं। एक आमिल है। नजरिया, एक दो आमिल आमिल नजरिया, नजरिया, कसीर आमिल नजरिया, मजमू आमिल नजरिया, जहानत की साख्त का नजरिया। जी सर इंग्लिश में नहीं जहानत दी सर, इंग्लिश में इससे पहले यूनिफैक्टर भेज दिया थियरी, था टू मैं, फैक्टर नहीं थियरी, बोलता आप यहाँ मल्टी लिख फैक्टर, सकते, यूनिफैक्टर टू थ्योरी, टू फैक्टर फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, ठीक है ना, ग्रुप स्ट्रक्चर फैक्टर एनालिसिस। थ्योरी, बल्कि मैं यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है देख के लिख सकते, नहीं बोले तो आपको मैं इससे पहले नोट भेजा था, ऑलरेडी इससे पहले मैं ग्रुप में भेजा था, आप फे हो देख सकते हैं आप प्रिंट्स, ठीक है ना, जहां पर रिसेंटली पी क्यू। जन्म अच्छा निशांत कल आपको सवाल पूछ रहे थे, मैं कल हालांकि कल ग्रुप में मैसेज भी लगा निशांत, सर मुझे हाँ आप कल कुछ पूछ रहे थे और क्लास कटोगे ना, ना सर, मिल गया सर मुझे, आप भेजना सर वो पीडीएफ, मिल गया सर अलहमदुल्ला। ग्रुप में पूरे ग्रुप में इसी तरह का निशात आपको डाउट पूछ रहे थे क्या है बल्कि, तो आप कौन से ग्रुप में हैं, आप मैं आपके ग्रुप में हूँ ना सर अभी, कौन सा ग्रुप, ग्रुप का नाम क्या, पूरे ग्रुप में मैसेज रखा आपके बारे में, आपका नाम लेकर रखा, अब नहीं वो मेरा केएस मैसेज नहीं मिला जमील, आपको, केएस आपको मेरा जमील मैसेज बल्कि नहीं है, मिला, मेरा मैसेज नहीं दिखा मिला आपको, केएस जमील बल्कि है ना सर, मैं आपको ये मैसेज करे फॉरवर्ड करी सर, आप नहीं देखे। आप मैसेज करे, अच्छा, ठीक है ठीक है, वो मैं आपका क्या डाउट था बोल के मैं आपको पूछा, नहीं आप तो भेजे सर, पीडीएफ चलिए होना था सर मुझे, पीरीज का आप भेजे मेरे को, आई गॉट इट सर।
मिल गया आपको, चलो ठीक है, वही आपका डाउट, मैं वही थोड़ा ये हुआ तकलीफ भी मेरे को, सडनली आप कुछ पूछ रहे थे, सडनली क्लास कट हो गई, उनका डाउट क्या था कि, अच्छा बल्कि मैं ग्रुप में मैसेज रखा, तो मगर मेरे को निषाद जी, नाम, आपकी निषाद के नाम से कोई मैसेज नहीं अभी तक, आपको उसे नाम से ही बीच में व्हाट्सएप में। निषाद बोल के कैसे? ठीक अच्छा, ठीक है, फिर एक बार मैसेज कीजिए। तो बहरहाल है सर। यूनिफाइड थ्योरी को पेश करने वाले कौन है, यूनिफाइड थ्योरी को पेश करना, हु प्रेजेंटेड, हु प्रपोज्ड द यूनिफाइड बिनेट, थ्योरी, अल्फ्रेड बिनेट, 1905 बिल्कुल 1998 के दौर में, जब सर। उनको फ्रांस की गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने उनको जिम्मेदारी दी थी। उसके बाद टू फैक्टर थ्योरी किसने पेश किया, टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने, ठीक है ना। स्पीयरमैन की किताब का नाम क्या है, कोई बोल सकते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय स्पीयरमैन। एबिलिटीज ऑफ मैन, क्या है किताब का नाम, एबिलिटीज ऑफ मैन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पूरे तमाम चीजें बता दिया मैंने, ठीक है ना। बीने का पहले जिक्र आता है, सेंटर का, उसके बाद स्पीयरमैन, उसके बाद गार्डनर, उसके बाद डैनियल गोलमैन, इस तरह बहुत सारे लोगों ने किस पे काम किए, ये इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट पे काम किए। तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं, वो तो डैनियल गोलमैन और होवर्ड गार्डनर की थीरी का थोड़ा सा तस्करा करने जा, इंग्लिश में जो लोग पूछ रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये माइलस्टोन्स है इंटेलिजेंस थ्योरी के ऊपर जो काम करे, पूरे माइलस्टोन्स है। 1905 में क्या हुआ, अल्फ्रेड बीने फ्रांस में यूनिफाइड थ्योरी को प्रेजेंट किया, इसलिए बीने को क्या बोलते थे, बीने को क्या बोलते, फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट कहा जाता, ठीक है ना। 1908 में अल्फ्रेड बीने ने क्या करे, फर्स्ट टाइम आईक्यू फ्रेंच लैंग्वेज में डेवलप किए, ठीक है ना। आईक्यू वाज डेवलप्ड बाय एक्चुअली कौन है, बोलते विलियम स्टेन डेवलप करे उसको, करेक्ट, फुल्ली फुल्ली डेवलप कौन करे बोले तो विलियम स्टेन, कहाँ के, जर्मनी के। ये बहुत दिन बोले टेट में क्वेश्चन पूछा था, आईक्यू को प्रपोज कौन कर रहे हैं बोल के, ऑप्शन ए में अल्फ्रेड बीने का नाम दिया, सब लोग अल्फ्रेड बीने को टिक करे, मगर गलत है, वो अल्फ्रेड बीने नहीं है एक्चुअली, इसको कौन पेश कर रहे हैं बोले तो विलियम स्टेन है फुल्ली, ठीक है। आईक्यू का फॉर्मूला भी पूछा था, बता सकते कोई आईक्यू का फॉर्मूला, आईक्यू इज इक्वल टू क्या है, एम मैं ए मैं सी है टू एम ए बाई सी ए टू हंड्रेड हंड्रेड आ इनो परेशान हो रहा है कि कहां, तो भी ये कहां देख के बोल रहे हैं, बल्कि स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे है बाजाब्ता, नहीं स्क्रीन पे सर, है, स्क्रीन स्क्रीन पे पे नहीं नहीं है है, सर, स्क्रीन पे स्क्रीन नहीं पे नहीं है है, सर, स्क्रीन पे नहीं स्क्रीन है, शो नहीं हुआ सर। नहीं 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 स्क्रीन स्क्रीन पे नहीं नहीं है, हुआ नहीं है सर, दूसरा पेज ओपन है। और स्क्रीन पे नहीं है, आप देखो, नो सर, नहीं सर, हाँ अभी आ गया। यस बाय। सर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये माइलस्टोन से पूरे कब कब क्या क्या हुआ, इंटेलिजेंस से मुताल्लुक कौन कौन कितना कितना काम किए, कब कब काम किए। तो इंटेलिजेंस के ऊपर काम सबसे पहले करने वाले कौन है, अल्फ्रेड बीने 1905 में, उसके बाद विलियम स्टर्न, विलियम स्टर्न आईक्यू का करेक्ट फार्मूला प्रपोज करते, वो है आईक्यू इज इक्वल एम ए बाई सी ए इंटू हंड्रेड, ठीक है ना। फ्रांस में फर्स्ट टाइम आईक्यू प्रेजेंट करने वाले कौन है बोल दो, अल्फ्रेड बीने 1908 में। 1916 में टर्मन ने भी क्या करते बोल दो, ये आईक्यू को यूज करते, कहां पर यूज करते बोल दो, अमेरिका में यूज करते, उसका नाम क्या रखते हो ना, अच्छा बोलो स्टैनफोर्ड बीने आईक्यू टेस्ट बोल के उसका नाम रखते, ठीक है ना। उसके बाद यूनिफैक्टर थ्योरी तो अल्फ्रेड बीने ने कहा, उसके बाद स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी को प्रपोज किया, उसके बाद ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने पेश किया, बल्कि एक बार सवाल पूछा था बहुत दिन पहले, उनका नाम क्या है, थर्स्टन, 1937 में, और 1930 ने रावेंस प्रोग्रेसिव टेस्ट को पेश करते, रावेंस, ठीक है। 1993 में गार्डनर क्या प्रेशन क्या पेश करते, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, और 1919 में डैनियल गोलमैन ने अपनी एक थ्योरी पेश करते, उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी है, और डैनियल गोलमैन की किताब का नाम क्या है, बल्कि एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बोलो क्या नाम है किताब का, नाम हाँ, इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। इमोशनल हाँ नीचे लिखा हुआ है, इंटेलिजेंस, परेशान परेशान नहीं होना, यही सबसे नीचे लिखा, मेरा स्क्रीन जो अच्छा देखते हैं, क्या कर रहे हैं बोल आई दो, क्लास में आ रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, घर में देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, इमोशनल बड़ा जरा स्क्रीन के ऊपर मुट्ठी रखो। इंटेलिजेंस वाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। हाँ इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू बोल के येलो कलर में हाईलाइट कर दिया, ये है होवर्ड गार्डनर साहब, आपके सामने फोटो भी है, और उनके मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में आने वाले 8 अवामिल के भी, अनासर के भी नाम मैं लिख दिया, 8 पूछ सकता आपको, इसमें से कौन सा नहीं है पूछता, कौन सा है पूछता, एक्चुअली पहले 7 ही थे ये, एक्चुअली इसमें कितने थे, होवर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में सिर्फ 7 थे, नेचुरलिस्टिक नहीं था, नेचुरलिस्टिक को बाद में ऐड किया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझना है,
इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी को पेश करने वाले कौन है, वो तो डैनियल गोलमैन है। उनका ख्याल क्या है, इंसान की कामयाबी में, इंसान की कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार किसका है, जज्बात का है, जज्बात को काबू करने का है। अगर आप प्रमोशन चाह रहे हैं तो यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस इन ऑर्डर टू गेट योर प्रमोशंस, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू गेट योर प्रमोशंस यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझना है, समझ के आगे बढ़ना है। इंटेलिजेंस क्या है, क्या नहीं समझा दिया मैं आपको, यूनिफैक्टर थ्योरी क्या है। और आपको व्हाट्सएप पर मैं उर्दू के नोट भी भेज दिया, ठीक है ना, और इससे पहले इंग्लिश में भी भेजा था मैं, ठीक है ना। ये इंटेलिजेंस पहले तो ऐड इंटेलिजेंस हो को, के नहीं हाँ था ना उसमें। कोई बात नहीं, आप ग्रुप में मैसेज रखो, कोई ना कोई भेज देते हैं ओल्ड ओके फ्रेंड्स, ओके ठीक है। सर। सिंपल है, आप मेरे को नहीं पूछना, ग्रुप में मैसेज रखना। आई रिक्वेस्ट ऑल ग्रुप मेंबर्स प्लीज शेयर इंटेलिजेंस पेजेस अर्लियर शेयर्ड बाय जमील सर, बोलता नहीं, वो तो आखिरी सूरत में मैं हूं कैसा, वो किसकी फिल्म है जी, मैं हूं ना बल्कि फिल्म है शाहरुख खान, शाहरुख शाहरुख खान, खान, मैं शाहरुख खान तो नहीं रखो। हूँ, शाहरुख खान तो नहीं हूँ, मैं हूँ बहरहाल, ठीक है ना, मैं जमील चौक। एनीवे तो बोलेगा मतलब क्या है, डोंट वरी, आप पहले फोकस क्या करो बोलते हो, एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो, नोट्स बनाने की कोशिश करो, वीडियोस देखो, बार बार रिपीट करो, कॉन्सेप्ट को समझो। अब मैं आपको इमीडिएटली क्वेश्चन पूछता हूँ, डैनियल गोलमैन की किताब का नाम क्या है, जल्दी बोलो, कौन बोल सकते थे, या तो इमोशनल आप बोल दो, इंटेलिजेंस, वाइट इमोशनल इंटेलिजेंस, वाइट कैन गोर्ड मैप का ऑफ IQ, ये कब बात आपको बोलता हूँ, लॉजिकल। कल परसों इससे पहले जब क्लास में आता हूँ, किताब का नाम 10 बार लिखो बोल के बोला था मैं आपको, याद है 10 बार लिखो यस बोला सर, था। हाँ जो वो लिखते हैं, जो उस्ताद की नसीहत को मानते हैं, उन्होंने कामयाब होते, उन्होंने जवाब दे सकते, उन्होंने चैंपियन बनते। आपको चैंपियन बनना है ना मेरे डियर स्टूडेंट, सोच लो आप। अभी आपके यस किताब का नाम बोला, स्पीयरमैन की किताब का नाम बोला, स्पीयरमैन की किताब का, एबिलिटीज ऑफ मैन, क्या है किताब का नाम, एबिलिटीज ऑफ, एबिलिटीज ऑफ मैन। हाँ एबिलिटीज ऑफ मैन, कौन लिखे किताब ये भाई, स्पीयरमैन, स्पीयरमैन कौन है जी, स्पीयरमैन प्रेजेंटेड थोड़े टू फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी बोल सकते, इंटेलिजेंस थ्योरी बोल सकते उसको, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तमाम चीजों को समझना है, आगे बढ़ना है, अदरवाइज बहुत सारे क्या होता बोल दो। तो टू फैक्टर थ्योरी में उनका ख्याल क्या है, एस फैक्टर जी फैक्टर बोल के रखे थे, बहुत दिन पहले पूछा था एस फैक्टर क्या है और जी फैक्टर क्या सर है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा सर स्क्रीन पर। स्लाइड कुछ भी नजर नहीं आ रहा, आ रहा है सर? जी आ सर रहा, आपके आ फोन रहा, में नेटवर्क का अब प्रॉब्लम आ है रहा है। ना, ऐसा कुछ भी नहीं नो है। सर, नो सर, अब आ गया सर। हाँ टू फैक्टर थ्योरी का मतलब क्या है बोले तो, एस फैक्टर बोल दो स्पेसिफिक फैक्टर या स्पेशल फैक्टर, और जी फैक्टर बोले तो जनरल फैक्टर। तो इस तरह से उन्होंने अपना नजरिए को पेश किया था, कौन कौन टू फैक्टर थ्योरी किसने पेश किया, चेयरमैन, चेयरमैन सर, चेयरमैन, ठीक चेयरमैन, चेयरमैन, है। तो इस तरह से ये इंटेलिजेंस को असेस करने के तरीके बहुत सारे टेस्ट है, वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल टेस्ट है, इंडिविजुअल टेस्ट है, ग्रुप टेस्ट है, पेपर पेंसिल टेस्ट है। ये टेस्टों के बारे में मैं आपको फिर एक बार हो सके तो कभी क्लास दे तो याद दिलाओ, अलबत्ता कौन से टेस्ट है मैं आपके यहाँ सामने रख दिया, ये टेस्ट बीने टेस्ट, स्टैनफोर्ड टेस्ट, कलमन टेस्ट, ऑर्टिस गामा टेस्ट, आर्मी सर। अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, रॉबिन्सन स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, वेस्टर टेस्ट, ड्रामेरे टेस्ट, कोर्स ब्लॉक टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट है। ये थोड़ा सा आईक्यू के बारे में, आईक्यू का फुल फॉर्म क्या है, बल्कि बहुत दिन पहले 10 साल पहले कुछ पूछा था, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वोशेंट है। तो फादर ऑफ इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं, अल्फ्रेड बीने को बोलते हैं। आईक्यू फ्रेंच में सबसे पहले पेश करने वाले अल्फ्रेड बीने है, ठीक है ना। इंग्लिश में अमेरिका में पेश करने वाले स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट है। फाउंडर ऑफ आईक्यू टेस्ट कौन है बोले तो, विलियम स्टेन है, ठीक है ना। उसका ये फार्मूला क्या है, MA/CA × 100, ठीक है ना। हंड्रेड आईक्यू की स्केल, आईक्यू की स्केल आपकी मेरी जो आईक्यू है वो क्या है, एक्चुअली आमतौर पे नाइनटी सबसे ज्यादा आईक्यू किसकी पाई जाती, नाइनटी एवरेज है, एवरेज कब से कब तक, 90 to 110, 90 to 110, हंड्रेड वन ठीक है टेन ना। गिफ्टेड बच्चे की आईक्यू कितनी रहती, गिफ्टेड बच्चे की आईक्यू 140 वन फोर्टी अल्लाह फाइव को, ठीक है ना। जो वन जो मुद्दू किस्म के बच्चे रहते, जो आपकी बात नहीं सुनते, सताते क्लास में, उनकी आईक्यू क्या रहती बोलते, 90 से बिलो, यानी तो 80 70 से बिलो रहती है उन सेवन लोग। और 70 50 से कम 40 से कम वाले कौन रहते बोले तो, आपके कौन रहते बोलते, अहमद मकसूद दरियत के हामिल तुलबा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको ये चार्ट के बारे में डिस्कस करना है। मैं थोड़ा सा आपको इसका खुलासा कर देता हूँ, इमोशनल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे,
इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी, इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी को किसने पेश किया? डैनियल गोलमैन। हाँ, डैनियल गोलमैन ने पेश किया, ठीक है ना। इनके मुताबिक आपको परसों भी समझा दिया मैं, इन्होंने कहाँ के है डैनियल गोलमैन? अमेरिका के है, अमेरिका। अमेरिका के है, और इनकी थीरी में 5 कॉम्पोनेंट्स है, ठीक है ना। अब आप ये इन उनको सामने आ रहा, वो डाउट आ रहा, सर 5 कॉम्पोनेंट्स क्या है? मैं तो बाजू के कॉलम में लिखा हुआ, देख लो, लिख लो, प्रैक्टिस कर सेल्फ लो। सेल्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस, सेल्फ सेल्फ रेगुलेशन, रेगुलेशन, मोटिवेशन। मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। इनकी किताब का नाम क्या है? किताब का नाम इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई कैन मैटर मोर देन अभी आईक्यू। थोड़ी देर पहले पूछा, आप लोगों को बोलने में परेशानी हो रही? नहीं, थोड़ी देर पहले पूछा मैं क्या है इनकी किताब का नाम, बोल के आप लोगों को बोलने आ रहा है, जिन्हें तो नहीं चलता। देखो बहुत मुश्किल होती है आगे। प्रैक्टिस, अच्छा सुनो, अच्छा सुनना, ठीक है। आपको कल पूछता, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी प्रेजेंटेड बाय डैनियल गोलमैन? बताओ क्या लिखना। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, बोल के आपको लिखना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने पेश किया? होवर्ड, हॉवर्ड गार्डनर। होवर्ड हॉवर्ड गार्डनर। गार्डनर। हाँ, होवर्ड गार्डनर, होवर्ड गार्डनर। इनकी किताब का नाम क्या है, कोई बता सकते हैं? फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल फ्रेम्स इंटेलिजेंस। ऑफ आपको एक बार पूछा था एग्जाम में, मेरे को याद है, मैं लिखा था, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो आपको ये होवर्ड गार्डनर अमेरिका के 1983 में इन्होंने पेश किया, और इनकी थ्योरी में कितने टाइप्स के इंटेलिजेंस है? 8 है। तो आप एक बार गौर करके देखो, बीने ने एक रूपी एक अवामिल जहानत का नजरिया को पेश किया, ठीक है ना, और स्पीयरमैन ने 2 अवामिल का, और थारनडाइक ने 3 अवामिल का। तो इस तरह अलग 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 अलग, अलग पेश करते 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 आखिरी में इन्होंने क्या किया, होवर्ड गार्डनर ने क्या किया, अल्फ्रेड बीने स्पीयरमैन थारनडाइक के पेश करदा नजरिए को उन्होंने तर्क किया, रिजेक्ट किया उस, क्या किया, रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करके क्या बोले, नहीं, जहानत जो है, इंटेलिजेंस जो है, इंसान में 1 2 3 नहीं, बल्कि इंसान में क्या रहते बोल तो बहुत सारे किस्म के क्या पाए जाते, जहानत पाए जाते, मुख्तलिफ किस्म, मल्टीपल इंटेलिजेंस पाई जाती। बल्कि उन्होंने क्या करा, अपना नजरिए को पेश किया। क्या क्या है वो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस, क्या क्या है जल्दी बताओ आप लोग मेरे को। लिंग्विस्टिक, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल, विजुअल एंड स्पिरिचुअल, नेचुरलिस्टिक, म्यूजिक, लॉजिकल, वर्बल, मेंटल, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, एंटीपर्सनल, स्पेशल, परसेप्चुअल मेमोरी, मॉडल, रीजनिंग। लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल। ठीक है। तो थारनडाइक के जरिए पेश करता 3 फैक्टर 3 भी है थारनडाइक का। यूनि फैक्टर किसका है? बीने का है। और 2 फैक्टर किसका है? स्पीयरमैन का है। 3 फैक्टर 3 भी है किसका है? थारनडाइक का है। तो थारनडाइक के 3 फैक्टर में फर्स्ट फैक्टर क्या था? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। उन्होंने बता रहे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस बोल रहे, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस उर्दू में क्या बोल रहे, ठोस जहानत, ठोस कॉन्क्रीट जहानत बोल रहे, ठीक है ना। ठोस इंटरव्यू। जहानत की मिसाल क्या देंगे, जितने भी ठोस चीजें हैं, आपके हाथ में मोबाइल है वो ठोस चीज है, ठीक है ना। दुनिया की हर चीज, फिजिकल आइटम जितने भी है, तमाम अशिया जितने भी, पूरे क्या बोलते हैं, ठोस चीज है। आपका पेन है, मोबाइल है, आपका कुर्सी है, टेबल है, बिस्तर है, बैठे हुए गिलास है, प्लेट है, चश्मा है, पेन है, कंप्यूटर है, जो भी आप जो चीज को छी सकते, पकड़ सकते, देख सकते, वो क्या है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है। तो इनका ख्याल क्या है थारनडाइक का, बोलते कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस पहला बता, ठीक है ना। दूसरा क्या है, जब कॉन्क्रीट बोलो तो दूसरा जाहिर सी बात है, अपोजिट क्या होता है, कॉन्क्रीट का अपोजिट क्या है, जल्दी बोलो। जमील सर के स्टूडेंट है, इतने स्लो नहीं रहना। कॉन्क्रीट एक ठोस है और अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट, मुजर्रिद, मुजर्रिद बोलते अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। दूसरा क्या, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। हाँ, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या है? अब हम जो बात कर रहे हैं, जबान, जबान क्या है, एग्जाम्पल, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का अब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल लिख लो, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज को चीज है, पकड़ सकते हैं लैंग्वेज को। अब मैं पेन को पकड़ा, ऐसा पेन को पकड़ा, लैंग्वेज को पकड़ सकते हैं, यहाँ पर सीजर्स है, कैंची है, या कोई चीज है, या मोबाइल है, मैं पकड़ा ऐसा, ये फिजिकल है, ये फिजिकल है, ठीक है ना, या कॉन्क्रीट है। अब्स्ट्रैक्ट बोल तो ख्याली, तसव्वुर, जस्ट आप फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, मगर उसको पकड़ नहीं सकते, छीन नहीं सकते, ठीक है ना। तो एक है कॉन्क्रीट, दूसरा है
अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट में और एक चीज आती, अब्स्ट्रैक्ट। सिंबल्स, सिंबल्स, सिंबल्स। मिसाल के तौर पर आपको ताजमहल बोलते हैं, ताजमहल का सिंबल आपके दिमाग में आ गया, फूल बोला मैं, फूल बोलते आपके जहन में आ गया। अब रोजाना इफ्तारी कर रहे हैं आप, रमजान में इफ्तार में सबसे पहले हम हाथ में पकड़ते खजूर को, दुआ पढ़ते, ठीक है ना, खजूर बोलते, खजूर के एक फोटो आ गए आपके दिमाग में, ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा, कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट दो बताया, और तीसरा क्या बताया बोले तो, सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस मतलब सामाजिक जहानत है, लोग रिश्ते जो बनाते हैं, रिलेशन जो मेंटेन करते हैं सोसाइटी में, ये वो है, ठीक है ना। तो सर आप बात तो अच्छी बता दिए सर, थारंडे के मुताबिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस तीन है, बल्कि बताए, एक कॉन्क्रीट, एक अब्स्ट्रैक्ट, एक सोशल बोले, तो फिर इसका एग्जाम्पल भी बता दिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता बोलता, उन्हें क्या बोलता बोलता, कौन से लोग में कौन सी जहानत ज्यादा पाई जाती है, बल्कि पूछता आप बताओ मेरे को, पॉलिटिकल लीडर्स में सबसे ज्यादा कौन सी ज्यादा जहानत पाई जाती है थारंडे के मुताबिक, पॉलिटिकल सोशल लीडर्स, इंटेलिजेंस, वेरी गुड, सोशल, सोशल इंटेलिजेंस, क्योंकि उनको रिलेशंस मेंटेन करना समाजी आता, जहानत, हाँ उनको मेंटेन करना था, सोशल रिलेशंस मेंटेन करना। पोएट्स में कौन सी थिंकिंग रहती, पोएट्स में शोरा, अदीब, फिलोसफर्स, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्ट, थिंकिंग रहती, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रहती, ठीक है। तो कॉन्क्रीट थिंकिंग किसके पास रहते हैं, मैकेनिक्स, यानी तो फिर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स इंजीनियर जो है उनमें ये जहानत पाई जाती, तो हर अलग 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 तबके में अलग 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 जहानत पाई जाती। तो यहाँ पर आप मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में जिसने पेश किया ये हॉवर्ड गार्डनर है, सबसे पहले है लैंग्वेज इंटेलिजेंस थ्योरी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस थ्योरी बोलते हैं, जबान से मुताल, हम जो जबान को इस्तेमाल करते हैं, इंसान जबान को इस्तेमाल करके क्या करता है, अपनी जरूरियात की तकमील कर लेता, चार लोगों से बात करता, ठीक है ना। तो लैंग्वेज का क्या है माना बोलते हैं, लिखने की सलाहियत, पढ़ने की सलाहियत, ठीक है ना। और आमतौर पे ये जहाना ज्यादा किसमें पाई जाती बोले तो, बोले जी किसमें पाई जाती, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती, शोरा, चारा, राइटर्स, पोएट्स, ठीक है ना, राइटर्स एंड राइटर्स, पोएट्स। उसके बाद नंबर दो क्या है हमारे पास, लॉजिकल, पोएट्स, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल, लॉजिक बोल दो आपकी कौन सी सोच है, ये कौन सी सोच है, मंतिक सोच, मंतिक सोच, लॉजिकल, आप सोच रहे ये हुआ तो ऐसा होता, ऐसा होता, लॉजिक से सोचते आप, ऐसा ऐसा लॉजिकल रीजनिंग बोलते। ये जाना किसमें पाई जाती है, वो तो मैथमेटिशियन साइंटिस्टों में पाई जाती, ठीक है ना, ये लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद हम, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विजुअल एंड स्पेशल, स्पेशल इंटेलिजेंस बोल के बोलते हैं, ये किसमें पाया जाता है, बोलते विजुअल बोलते देखने की आर्टिस्ट चीज, और सर, स्पेशियल बोले तो जगह को बोलते, जगह को, ज्यादातर ये डिजाइनर्स, घर का डिजाइन बनाने वाले, अरे कितना अच्छा घर का डिजाइन बनाया, आर्टिस्ट जगह का सही इस्तेमाल कितना अच्छा इंजीनियर, किया मैंने, किचन यहाँ पर बनाया, ड्राइंग रूम यहाँ पर बनाया, पार्किंग एरिया बनाया, कितना अच्छा बनाया। तो स्पेशियल इंटेलिजेंस की बात रहती है, उन्होंने क्या करते बोलते अपने जगह का सही इस्तेमाल, इसको स्पेशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, डिजाइनर्स आर्किटेक्चर्स के पास ये ज्यादा पाई जाती। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत सिंपल है, कोई परेशानी की बात नहीं है, जाहिर सी बात सिंगर्स, है, सिंगर्स और जो भी ये म्यूजिकल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले जो भी है उनके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती, ठीक है ना। म्यूजिक वो लोग बजाते भी, म्यूजिक सिखाते भी, म्यूजिक सीखते भी आसानी से, उनके पास ये पाई जाती। नेक्स्ट है अपने पास बॉडी कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ये किसके पास ज्यादा पाई जाती है, अपने जिसम को ज्यादातर आमतौर पे जैसा बोले डांसर्स, वैसा घुमाना फिलाना, नहीं डांसर्स के साथ साथ स्पोर्ट्समैन, जिमनास्टिक करने वाले, रनिंग करने वाले, भागने वाले, खेलने वाले, कूदने वाले, ठीक है ना। और सर्जन्स, सर्जन्स भी जो होते ऑपरेशन करने वाले, उनके पास भी बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, सोच समझ के सही ऑपरेशन करने का पेशेंट को, सर्जन्स में भी ये पाई जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कौन सी इंटेलिजेंस किसके पास पाई जाती है, कौन सी इंटेलिजेंस की क्या खूबी है, तमाम चीजें आपको किसकी थ्योरी में सीख रहे हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी प्रेजेंटेड बाय हॉवर्ड गार्डनर। उसके बाद इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसमें किसके पास पाई जाती है, देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस में सिखाया था, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस बोले तो आमतौर पे ये आदमी से वो आदमी में, ये लोगों से वो लोगों में, ये शख्स से वो शख्स के बीच में, बेरोनी इख्तलाफत, हाँ तो ये किसमें पाया जाता है ज्यादातर, किसमें रहता है बोलते टीचरों में, यानी तो पॉलिटिकल लीडरों में, यानी तो फिर ज्यादा बात करने वालों में, ठीक है ना। ये लोग में क्या रहता बोल दो, अच्छी बात करते हैं लोग, रिलेशंस अच्छा मेंटेन करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स है, टीचर्स है, ठीक है ना, सोशल वर्कर्स है,
इस तरह से इसमें इनके पास पाई जाती कौन सी है, ये इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है, इंट्रा इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, इंट्रा इंडिविजुअल इंटेलिजेंस ये किसमें पाई जाती, ये क्या है बोल तो, अपने आप के बारे में। इंटरनल उनके पास अपनी खुद की सलाहियत उनके पास ज्यादा होती, कौन है ये खुद की सलाहियत ज्यादा रखने वाले कौन है, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, गाइडेंस, हाँ। और अब वो सेल्फ के बारे में उनको ज्यादा मालूमात होते अपने बारे में, तो ज्यादातर ये लोग कौन है बोले तो काउंसलर्स, मशवरा देने वाले, ठीक है ना। और योगा के एक्सपर्ट्स, मेडिटेशन एक्सपर्ट्स, खामोश बैठ के सब सोचते थे ऐसा करना वैसा करना, बोलते योगा एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट है, काउंसलर्स है, आपको मशवरा देने वाले सलाहकार, इन तमाम लोगों में क्या पाई जाती बोल तो इंट्रा इंडिविजुअल इंटेलिजेंस पाई जाती, ठीक है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या बोलते, उनके पास अंदरूनी छुपी हुई जो ताकत है, जो तौनाई है, जो सलाहियत है, उसका सही भरपूर इस्तेमाल करते बोले सरकार, समझ रहे हैं बात। हर एक के पास कुछ ना कुछ ताकत छुपी होती, तो इस तरह से आखिर में सबसे आखिर में क्या बचा, ये नेचुरल नेचुरल इंटेलिजेंस। मैं आप इससे पहले क्लास शुरू होने से पहले बोला, सबसे पहले हॉवर्ड गार्डन जब अपना नजरिया पेश कर रहे थे, कब पेश कर रहे थे, 83 में, उस वक्त कितने थे बोलते, मल्टीपल 7 थे, कितने थे, 7 थे। बहुत अच्छी क्लास दे रहा हूँ, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, मेरे नोट्स देख के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप समझो बात को, नोट बना लो, लिख लो, एक्सपर्ट होते। कल एक बच्ची मैसेज दी मेरे को, सर मैं आपकी क्लास में सुन सुन के मैं सीडीपी की एक्सपर्ट बन जा रही हूँ, क्योंकि एक किस्म की खुशी, एक किस्म की ताकत, एक किस्म की तौनाई मेरे जिस्म में आ रही, एक किस्म का खून मेरे रगों में दौड़ रहा, इसका सबब सिर्फ आप ही जैसा, मैं इंशाल्लाह इस बार सीटेट में सबसे ज्यादा नंबर ला के दिखाऊंगी बोल के मैसेज करी एक बच्ची का, एक स्टूडेंट बच्चा भी करा हैदराबाद से। तो बोलने का मतलब क्या होता, फायदा उठा रहे, उठाने वाले वो तरीके से सुन रहे क्लास को, समझ रहे हैं। अरे सर आप ऐसा बोले ना, आप उर्दू में बोले ना, इंग्लिश में नहीं बोले ना, अरे मैं उर्दू में भी बोला तो आप उर्दू में जो बोला हुआ जुमला है उसको इंग्लिश में अपने ओन लैंग्वेज में नहीं लिख सकता, कांट यू राइट द सेंटेंसेस विच आर डिलीवर्ड बाई के जमील सर, सिंपल उर्दू में बोला, सिंपल इंग्लिश में लिख लो, अकॉर्डिंग टू वर्ड विनर ही प्रेजेंटेड एट मल्टीपल इंडियन सीरीज। और इंग्लिश वालों का सबसे बड़ा फायदा, अच्छा सुन लो, पूरी क्लास में 100 लोग हैं बोलो, इंग्लिश वालों का सबसे बड़ा फायदा क्या बोलते, आप गूगल पे देख सकते, इंग्लिश वालों का सबसे बड़ा फायदा यूट्यूब पे देख सकते, इंग्लिश वालों का सबसे बड़ा फायदा आप होवर्ड गार्डन एंड मल्टीपल इंग्लिश थ्री बोल के मारो विकीपीडिया पे, तफसील से इतना बड़ा पेज खुलता, इतना बड़ा आपको कोई खिलत ही नहीं है जखीरे की, मवाद की, समझ रहे। फिर भी मैं, मेरा टेक्स्ट प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है और एक्सप्लेनेशन ज्यादा उर्दू में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी मातृ जबान है, आप फील नहीं होना सर ज्यादा उर्दू में बोल के, सो आप उतना डिफरेंस क्रिएट मत कर लो अपने आप में, समझो, लिखने की कोशिश करो। इंग्लिश एग्जाम में घुमा फिरा के आपको कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, एग्जाम में क्या कर रहा है आपको घुमा फिरा के, आपको कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ। सीडीपी एक ऐसी चीज है, कॉल बंद कर लो जी, सीडीपी एक ऐसी चीज है, आपको रट्टा मारे तो नहीं आता, आप रोड लर्निंग करे तो नहीं आता, आपको क्या है बोलते कॉन्सेप्ट को समझ के सीखना है। पर समझे आपको ज्यादा टाइम ना लाते हुए मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, नेचुरल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है गार्डनर ने कब इसको शामिल किया होता, 1996 में, लिख लो, पूछा था एग्जाम में बहुत बहुत दिन पहले, पेपर 2 में आया था, गार्डनर की थ्योरी में 7 इंटेलिजेंस थे और 8वीं इंटेलिजेंस कौन सी है बोलते, नेचुरल इंटेलिजेंस है, और वो 8वीं इंटेलिजेंस नेचुरल इंटेलिजेंस को कब उसने अपनी थ्योरी में शामिल किया बोलते, 1996, 1996 1996 में, ठीक है। इनका ये जिसके पास इंटेलिजेंस रहती है वो लोग क्या करते होते, घरों में झाड़ा पालते हैं, घरों में और आप लोग फूलों के झाड़ बेल वगैरह लगाते, इनको नेचर से मोहब्बत होती है, आसमान को देखते, परिंदों को देखते, नदियों को, दरियाओं को देख के एंजॉय करते, इनका इनका एक अलग जमालियाती नजरिया होता है, इनका कैसा होता, जमालियाती नजरिया होता। ये लोग पौधों को पेड़ते, प्लांटेशन करते, फील्ड ट्रिप्स करते, मतलब अच्छे अच्छे खूबसूरत मनाजिर को लोग लुत्फ उठाना चाहते, ठीक है ना। तो ये कौन होते हैं ये लोग नेचुरल इंटेलिजेंस जिसके पास ज्यादा रहती है, लोग कौन रहते हैं बोले तो, कौन रहते जी बोलो, इसमें ज्यादा रहने वाले कौन है बोलते, एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट यानी माहौलियाती मुतालिया करने वाले जो तजुर्बेकार है, माहिर है एनवायरमेंटलिस्ट, जो पोल्यूशन न होना, जमीन को इकोलॉजिस्ट, बचाएंगे, हाँ, फार्मर, फार्मर्स भी बोल सकते हैं हम, या नहीं तो फिर आप क्या बोल सकते हैं बोले तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, या नहीं तो नेचर लवर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये मल्टीपल यूनिट थ्री थी होर्ड गार्डनर की। तो मेरा आज प्लान क्या है बोलो, सेशन एक ही लेना, सेकंड सेशन नहीं लेना बल्कि मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे कॉलेज में इफ्तार पार्टी है, मेरे को जाके बकरा वगैरह, चिकन वगैरह कुछ खरीदना है, इसका इंतजाम करना है, और एक दो एक्सपर्ट्स को मैं हैदराबाद से बुलाया,
मोटिवेशनल स्पीकर्स को, उनको ले आके फिर एडजस्टमेंट करना है बच्चों को, रमजान की अहमियत क्या है वगैरह हम तकरीर कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट सारे नलगोंडा और हैदराबाद से मैं बुलाया हूँ उनको, तो जाके इंतजाम करना है, लेके जाना है। तो मैं आप तमाम स्टूडेंट से इजाजत चाहता हूँ, आप क्या करो जितना भी मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ने की कोशिश करो। सेकंड सेशन आज नहीं रहता, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ डाउट है तो सर, जल्दी। आज के नोट्स दोबारा सुन करो सर, तो भेज डिलीट दिया, करो आप कौन से ग्रुप सर में आपके देख नोट्स लो, सर। सीधे मुझे वाइगार्ड ग्रुप में सी का भेज। इसमें ऐड नहीं किया ना आप हाँ सर, वाइगार्ड ग्रुप नहीं है सर अपने नोट्स की सर, का लर्निंग थ्योरी में आता हूँ, लर्निंग थ्योरी। दोबारा कनेक्ट। ओके सर, इसका कुछ डाउट है कितने ऋषा? सर चाइल्ड डेवलपमेंट ठीक है, और आप मेरे वाइगर्ड्स की भी क्लास है, 2 घंटे की लंबी क्लास है, वीडियो वो कहाँ पर है मैं आपको शेयर जी करता सर, हूँ, याद यूट्यूब में दिलाओ। है सर, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे नहीं है वो, दूसरे चैनल पे है, डाइट यूट्यूब विकाराबाद के ग्रुप चैनल में पे। शेयर कीजिए सर, हाँ डाइट विकाराबाद के उसमें है। सर ग्रुप में हाँ शेयर कीजिए, मैं ग्रुप इंशाल्लाह में शेयर बता कीजिए सर देंगे, वाइगार्ड सी। मैं इंशाल्लाह बता सलाम देंगे, अलैकुम, मैं सलाम इंशाल्लाह अलैकुम बता सर, आप देंगे। वाइगार्ड चलो सी का थ्री रिकॉर्डिंग ये भी ग्रुप एक में शेयर स्क्रीनशॉट कीजिए ले लो, सर। ये एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी ले लो, दिख रहा आपको स्क्रीन मेरे जी स्क्रीन, सर, जी लॉरेंस गोलबर्ग का वीडियो देखे तो उसमें दिखता आपको। ठीक है, अल्लाह हाफिज, दुआ की गुजारिश। आज जी सेकंड सर, सेशन नहीं ओके रहता, पार्ट टू नहीं रहता आज, दोबारा इंशाल्लाह संपर्क कल क्लास करूंगा करता हूँ मैं, कल कुछ जी, और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो बड़ा नोट्स अच्छे दोबारा बना लो, नोट्स अच्छे बना लो, और आप संपर्क बाकी के करो चालीस सर, मिनट आप सो जाओ मत, बाकी के अल्लाह आप सर सामने है समझ के कुछ नोट्स बना लो, हो सका तो किसी का वीडियो देख लो, या ना तो कुछ और एक अच्छा एक टॉपिक देख लो, देखने की अच्छी तैयारी करने की कोशिश करो। ये उर्दू में देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी ले लो, ये आज के दोबारा सेंड करो सर नोट्स मैं भेजता हूँ, जी भेजता सर, हूँ, ये ये भी, इसका इसका भी सर, स्क्रीनशॉट ले लो, कोयल वर्ग अखलाक नेशन उमा का उर्दू में इससे याद पहले का रखना। जो सेंड, इससे पहले का जो बताए थे वो आपकी नोट्स नहीं है सर, ये यूट्यूब चैनल पर है सर हाँ आपका, यूट्यूब चैनल्स पे आप देख सकते हैं, कोई परेशानी की ये है अफसोस। और ये लेवल्स और स्टेजेस को प्रैक्टिस कर लो आप, ये वीडियो भी है, यूट्यूब पे वीडियो जी भी है। सर, 2022 के लिए थे सर।